जी कहिए। मैं यहाँ एलेक्स से मिलने आई थी। ये बहुत अच्छा है कि तुम उसे सपोर्ट कर रही हो। सही कहा, मैं उसे बहुत सपोर्ट करती हूँ। तुम शायद मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। नहीं, बस इतना कहना चाहती थी कि अब तुम्हें उसके डॉगी को वॉक पर ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसको वॉक पर मैं ले जाती हूँ। वैसे भी अब इससे फर्क ही क्या पड़ता है, डॉगी को तो अब तुम शायद याद भी नहीं हो, पर मेरा यकीन करो, डॉगी अब बहुत खुश है। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं तो कभी गलत थी ही नहीं। वेल, हैव अ नाइस डे। तुम्हारा दिन भी शुभ हो। ये निक्की को क्या हुआ? दौड़ ही नहीं पा रही है, कहीं वो बीमार तो नहीं? मुझे नहीं पता, सुबह तो वो एकदम ठीक थी। कोशिश करो, तुम कर सकती हो। तुम तो कोशिश ही नहीं कर रही हो। ओके, जाओ थोड़ी देर आराम करो, मैं नहीं चाहता कि तुम बेहोश हो जाओ। निक्की, क्या तुम बीमार हो? तुम तो स्पोर्ट्स में अच्छी हो ना। आज सबको क्या हो गया है? सब बीमार है या कुछ और बात है? हाँ, हर महीने आने वाली महामारी। मजाक नहीं। निक्की, तुम पक्का ठीक हो ना? हाँ, सब ठीक है, मेरे बस मूड नहीं एक्सरसाइज करने का, और मुझे ये सब नहीं करना। क्या मैं लॉकर रूम में जाकर आराम कर सकती हूँ? निक्की, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि पॉल को तुमने क्या दिखा। इससे तुम्हें क्या मतलब है? क्या पॉल ने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा है? क्या दिमाग खराब है क्या? तुम उसके सामने कपड़े बदलने से पहले थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना। दरअसल पॉल एक खिलाड़ी है और उसे एथलीट लड़कियां ही पसंद है। जो भी हो, बोलकर क्या फायदा। वैसे भी उसे जो चाहिए वो मिलने के बाद वो तुम्हें छोड़ ही देगा, ये उसकी फितरत है। क्या सुना नहीं क्या? और हाँ, एक बात याद रखना, मैंने बोला था। टोनी ऐसे कैसे कर सकता है? इतनी बड़ी बेइज्जती, क्या मैं इसी लायक हूँ? वेल, बेशक नहीं, उसे नहीं पता उसने किस लड़की को छोड़ा। क्या तुम सोच भी सकती हो कि उसने मुझे पार्टी में बुलाया बस अटेंशन पाने के लिए, वो भी इस लोला का? वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है? मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं। अलीसा, वो तुम्हारे लायक नहीं है, छोड़ो। तुम्हें ये बात परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है। तुम्हारे पास है, और तो निक्की के पास है, और लोला के पास तो उसके चाहने वालों की पूरी फौज है, बस मेरा ही कोई नहीं है, कोई नहीं। तुम खूबसूरत हो, और एक दिन जरूर तुम्हें कोई मिलेगा, देख लेना। और ये सब बस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, भूल जाओ इन्हें, देखना एक दिन ये सब पछताएंगे। ये तुम कह रही हो? तुमने देखा ना टोनी आज कैसे लोला को खींचकर हॉल से बाहर ले गया? वो उसको लेकर कितना परेशान था। उसने रत्ती भर भी मेरी फिक्र नहीं की। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि लोला के साथ कुछ अजीब हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमसे कुछ छिपा रही है। जाहिर सी बात है, उसके पास कोई वजह होगी इस बर्ताव की। कोई भी रातों रात बेवजह इतना नहीं बदल सकता। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रही है। मुझे यकीन है टोनी इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? शायद तुम सही कह रही हो। बेशक मैं सही हूँ।
हमें जैक की बर्थडे पार्टी के दिन इसका पता लगाना पड़ेगा। वेल, लूला तो हमें कुछ बताने वाली नहीं, पर टोनी कुछ घूंट पीने के बाद सब उगल देगा और हमें पता चल जाएगा। बढ़िया प्लान है ना? जैक, क्या तुम जानते हो पॉल कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद वो कहीं बाहर गया है। उसे फिटनेस टेस्ट की परमिशन नहीं मिली। और उसने बताया नहीं वो कहाँ जा रहा है? जहाँ तक याद है नहीं। अंदर आ जाओ। कुछ हुआ क्या? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पहले बैठो यहाँ। तुमने फिटनेस टेस्ट ठीक से क्यों नहीं दिया? तुम तो बेहतरीन खिलाड़ी थी। सब साफ हो गया। क्या साफ हो गया है? तो ये सच है? हाँ, साफ हो गया कि अब मैं एक बिजनेस वुमन की बेटी नहीं हूँ और ना ही किसी टीचर की। अब मैं एक प्रिंसिपल की बेटी हूँ और मुझे हर चीज में हमेशा अव्वल रहने की जरूरत है, अगर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तब भी। निक्की, मैंने ऐसा नहीं कहा। और आपको ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं है। मैं क्या करूँ अगर मुझमें इतनी सारी खामियां हैं? मर जाऊं पर अपनी मॉम की नाक ना कटने दूं, है ना? निक्की, मेरा मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था। मुझे तुम्हारी बस फिक्र हो रही थी। मुझे पता था कि तुम्हारा कितना मन है कीव जाने का और यहाँ एक सुनहरा मौका था। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने इस मौके को क्यों जाने दिया आखिर। इससे आपका क्या मतलब? आपको क्यों हर बात जाननी होती है? मैं तो आपको बिना बताए एक पल सांस तक नहीं ले सकती। निक्की, मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है और मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। निक्की, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत फिक्र है। तुम्हारी माँ जो हूँ वो काम नहीं करवाऊंगी जो तुम नहीं चाहती। मॉम, मैं बस उस इंसान की वजह से कीव जाना नहीं चाहती, वो इंसान कोनोर, और अब मुझे किसी भी चीज की कोई चाहत नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता क्या करना है। मॉम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। निक्की, मेरी बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें हर चीज से बचा लूंगी। हमारे सामने एक सुनहरा कल है। मॉम, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपकी फीलिंग्स को चोट पहुंचाई। मैं वादा करती हूँ मैं फिर से ऐसा काम नहीं करूंगी। बेटा, मुझे तुमसे बेहद प्यार है और मैंने तो तुम्हें पहले ही सारी गलतियों की माफी दे दी है। देखना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बस एक सपना देखा था नॉर्मल फैमिली का। मॉम, डैड, फैमिली डिनर, साथ घूमने जाना। मेरे पास ये सब कभी नहीं था और शायद कभी होगा भी नहीं। निक्की, सब सही होगा, मैं वादा करती हूँ। वो सब कुछ होगा जो तुम चाहती हो। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। हम सब ठीक है। लोला भी बड़ी हो चुकी है। इतनी प्यारी लड़की, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। हम तुम्हारे आराम और चैन के लिए प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी माँ हमें स्वर्ग से देख रही है। दादी प्लीज, मैं अब ठीक है। कोई नहीं, तुम आज रो सकती हो। चलो खाना खाते हैं शांति से। लोला, तुम्हें क्या लगता है मॉम अब कहाँ है? ऊपर स्वर्ग में, सब अच्छे लोग वहीं पर जाते हैं। क्या हम वहाँ प्लेन से जा सकते हैं लोला? मुझे नहीं लगता। क्या वहाँ मॉम का अपना घर है? हाँ, और मुझे लगता है वो बहुत बहुत खूबसूरत है। मैं उसे देखना चाहूंगी।
तुम उसे देखोगी, हम सब उस घर को देखेंगे एक दिन। मुझे तो मॉम याद भी नहीं ठीक से, सिर्फ उनकी खुशबू याद है। मेरे नन्हे फरिश्ते। कौन है? तुम लोग खाना खाओ, मैं देखती हूँ। खाओ खाओ खाओ, मुझे खाना पसंद है। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे याद है आज कौन सा दिन है, मैं बस एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। मैं जानता हूँ ये दिन तुम्हारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, आ जाओ। निक्की, आज रात के खाने में कुछ स्पेशल चाहिए? ओ नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। चुप करो, तुम्हीं ने कहा था हम एक फैमिली हैं, तो ये तुम्हारा फैमिली डिनर है। तो चलो खाते हैं और बातें करते हैं उन चीजों के बारे में जो हमें परेशान करती हैं। ओके। कैसा रहे अगर मैं पिज्जा ऑर्डर करूं? क्या तुम खाओगी और फिर इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा? हाँ, लगता तो है। बहुत अच्छे, तो इस दफा बिना पाइनएप्पल के। ओके। ये तुम क्या पढ़ रहे हो? प्रेगनेंसी के स्टेजेस? किस लिए? ये बायोलॉजी क्लास के लिए, हमारे जल्दी एग्जाम होने वाले हैं ना। अच्छा है। हाँ, खत्म कर लिया। मैं तो डरी गई थी। पढ़ाई कर चुका हूँ, आ रहा हूँ। हाँ भाई, बोल। सुनो दोस्त, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? वेल, सब बढ़िया है। और तुम तंग मत करो, अभी पढ़ रहा हूँ। कुछ तो हुआ है, उसने नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी बात सही है। मदद करने के लिए थैंक्स। मैं इतना थक गई हूँ। बड़ी मुश्किल से दादी को सोने के लिए मनाया। वो कैसी हैं? तुम तो जानते हो, उन्हें दिल की बीमारी है। हर साल वो इस दिन अपने आप को एक ऐसी हालत में ला खड़ी करती है कि मुझे डर लगने लगता है कि शायद वो कल की सुबह ना देख पाए। और तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरी दादी को बहुत खुशी हुई कि तुम आए। वो तुम्हें बेहद चाहती हैं और कहती हैं कि तुम भी उनके परिवार का ही एक हिस्सा हो। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुम आए। थैंक यू। चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। पैट्रिक बंदर, अभी नहीं, अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तुम लोग तो बड़ों जैसे ही हो, मजा करना आता ही नहीं है। मैं बाद में आऊंगा पैट्रिक, और फिर हम खेलेंगे। मुझे आना ही पड़ेगा, तुम जानती हो तुम मेरे लिए खास हो। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, खत्म होने के बावजूद तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगी। आखिर तुम मेरा पहला प्यार थी। जानते हो, शायद हमारे बीच प्यार नहीं बल्कि कुछ और ही था। कोई जल्दबाजी या कोई जरूरत, शायद प्यार बिल्कुल जुदा होता है, क्योंकि हमारा वाला शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ तुम दोबारा यहाँ मत आना। मैं खुद सब कुछ संभाल सकती हूँ, जो भी हो अब। लोला,
मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकती हो। मैं समझती हूँ, पर मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। मैं सब खुद कर सकती हूँ। दूसरी बात यह कि मैं नहीं चाहती बच्चों को तुम्हारी आदत पड़ जाए। कभी ना कभी तुम उनकी जिंदगी से चले जाओगे और मैं नहीं चाहती वो उदास हो जाए। तो क्या हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे? सिर्फ क्लासमेट्स की तरह, क्योंकि हम दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। और तुम निकी के पास जा सकते हो, मुझे अब कोई नाराजगी नहीं है। और मैं सच्चे मन से तुम दोनों का अच्छा चाहती हूँ। अब हम दोनों की अलग अलग जिंदगी है और इसमें कोई दर्द नहीं है। हर अच्छी चीज़ कभी ना कभी ख़त्म होती है और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। निकी, उठा लो, इट्स ओके। मुझे जल्द से जल्द मेरी पैटर्निटी के अधिकारों की कंफर्मेशन चाहिए। मैं पिता बनना चाहता हूँ, कागज पर भी और कानूनन भी। वेल, मैं चीज़ों को और तेजी से निपटाने की कोशिश करता हूँ। क्या मुझे मेरी बेटी की कस्टडी मिल जाएगी? अगर आपकी बेटी आपके साथ रहना चाहती है तो वो रह सकती है, पर सिर्फ अगर वो चाहती है तो ही। माँ के पास जो अधिकार है अभिभावक के तौर पर, वो रहेंगे ही। क्या हम उसके इन अधिकारों को छीन सकते हैं? हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें कोई ठोस वजह चाहिए। सबूत के तौर पर कि वो बच्ची को नुकसान पहुंचाती है, ऐसा हम कर सकते हैं। क्या खुदकुशी की कोशिश ठोस वजह बन सकती है? हाँ बिल्कुल। अगर वेरोनिका अपनी माँ के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दे फिर भी? हाँ, हम हमेशा इस बात पर जोर डाल सकते हैं कि बच्ची को मानसिक बीमारी है या उसे ट्रॉमा है। ठीक है, हम ये कोशिश करके देख सकते हैं। हेलो निकी। माय डियर, मुझे खुशी हुई कि तुमने कॉल किया। पॉल, आज मेरी एक शख्स से बात हुई और मुझे कुछ पता चला। मैं उस बात से परेशान हूँ। हम दोनों को इस बारे में बात करनी चाहिए, पर ये बातें शायद सुनने में बहुत अच्छी ना लगे तुम्हें। तुम कहाँ हो अभी? मैं मेरे एक दोस्त के घर पे हूँ। एक दोस्त है मेरे फुटबॉल टीम का। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। क्या ये पैट्रिक है? तुम लोला के घर पे हो? निकी, मैं तुम्हें गड़बड़ हो गई। लगता तो ऐसा ही है पैट्रिक। मुझे माफ कर दो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वैसे आज मैं यहीं रात गुजारने वाला हूँ, अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी ना हो। दरअसल मैं अभी कीव के एक बिजनेस ट्रिप पर हूँ, तुम मेरा इशारा समझ गई होगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे जब तब मेरे साथ रातें गुजारने में? कहीं हमारा ये बिना प्यार का रिश्ता गहरा ना हो जाए। हनी, मैं खुद को तुमसे दूर कर ही नहीं पाता, पर हम बात कर रहे हैं ना, शायद तुम इस वक्त कॉल नहीं उठाओगी। उठाना पड़ेगा, बेहद जरूरी कॉल है। हाँ, मैं आपको सुन रही हूँ। मिस कॉफमैन, मैं आपको फोन कर रही हूँ उस लड़की के बारे में बताने के लिए जिसे आपने उस दिन देखा था। हाँ, वो पेट से है। और कितने हफ्ते हो गए? 3 हफ्ते। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, पर शायद नहीं होने वाली। और वो क्या करने वाली है? अबॉर्शन तो नहीं? शायद, पर मैं उसे ये करने की सलाह नहीं दूंगी। हाँ प्लीज, उसे ऐसा करने की सलाह मत देना। ओके, ऐसा मत करना। शायद ही मेरा आखिरी मौका है। गुड बाय। ठीक है। डार्लिंग, तुम क्या सोच रहे हो? निकी के बारे में, उसे कैसे वापस हासिल किया जाए? सुनो, वेल, शायद इसकी जरूरत ही नहीं है। तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, इतना सारा पैसा, वक्त, इतने सारे तोहफे, पर देखो उसने कैसे रिएक्ट किया। उसे उसके हाल पर छोड़ दो। क्या तुम सीरियस हो? तुम उसे उसकी मर्जी के खिलाफ अपने साथ बांध कर तो नहीं रख सकते?
तुम समझ नहीं रही हो, निकी मेरी औलाद है। वो सिर्फ एक बच्ची नहीं, मेरी बेटी है, मेरा अपना खून है। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दे। सुनो, वो कोई और नहीं, उसकी माँ है। उसने उसे बड़ा किया है, उसके साथ सुख दुख बांटा है, तो वैसे भी वो तुमसे ज्यादा अपनी माँ के करीब होगी। पर असल में तो ठीक इसका उल्टा होना चाहिए। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, पर उसे मेरे साथ रहना होगा ताकि हम एक फैमिली की तरह रहें। और तुमने ऐसे कभी बात सोची नहीं कि ऐसा करना कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते के लिए खराब हो सकता है? तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, जब तुमने ये फैसला लिया था कि निकी हमारे साथ रहेगी, क्या तुमने मुझसे पूछा? क्या मुझसे पूछा कि मुझे इसकी जरूरत है कि नहीं? क्या मैं चाहती हूँ ऐसा? निकी अब कोई बच्ची नहीं है, वो जवान है, अडल्ट है, अक्लमंद है। सुनो, वो मेरी समझदार बच्ची है। सुनो, अगर उसने मुझे एक्सेप्ट कर भी लिया, फिर भी ये सब बहुत मुश्किल होगा। ये सब तो मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। वेल, तो शायद हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। शायद हमारे रिश्ते की अहमियत इससे ऊपर है। तुम उससे फोन पर बात कर सकते हो, वो वहां रहेगी जहां उसका मन, और तुम और मैं यहां एक साथ। मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी, और मैं इस बात पर कुछ नहीं सुनना चाहता। और अपनी बेटी के लिए मुझे कुछ छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। शायद कभी अपने बच्चे ही पैदा ना करूं। अब तुम समझ रही हो? पता नहीं क्यों मुझे इस अपार्टमेंट को छोड़ने के ख्याल से ही बुरा लगता है। यहां मेरी बहुत सारी यादें हैं, कैसे मैं यहां मेरी मॉम और डैड के साथ रहता था। एलेक्स, पुरानी यादों के तार मत छेड़ो, न्यूयॉर्क वाले फ्लैट को याद करो, कितना बड़ा है, खुला खुला। हाँ, वो अच्छा है, पर मैं यहां पर बड़ा हुआ हूं। मेरा बस चले तो मैं सारे एल्बम्स ले चलूं, मैं सारे पुराने खिलौने सब ले जाऊंगा। उस नए अपार्टमेंट में यादों का कोई डेरा नहीं है। जानते हो, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाऊंगी। वेल, हमें पुरानी यादों की जरूरत क्या है, अगर हम नई यादें बना सकते हैं, ढेर सारी अच्छी यादें। तुम एक ही वक्त में आशावादी और प्रैक्टिकल दोनों हो, यही तुम्हारी सबसे खास बात है। वेल, कम से कम कोई तो चाहिए जो तुम्हें सच का आईना दिखा सके। हाँ, ये बात सच है। अच्छा सुनो। ओह, और ये किताब जब मैं छोटा था तब डैड पढ़कर सुनाते थे, ये कहानियां मुझे बहुत पसंद थी। मैंने हाल ही में हमारी शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट देखी। हाँ हाँ, तो तुमने फैसला किया नामों को काटने का, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबको लिस्ट से बाहर कर दूँ तो? या शायद तुम्हें पता है, मैं सोच रही हूँ अभी शादी करना ही नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पता है, मैं ये सोच रही थी कि हम यहीं यूक्रेन में शादी कर सकते हैं, क्यों? और फिर हम अमेरिका जाएंगे बतौर पति पत्नी, वहाँ जाकर हम इस शादी को कानूनी रूप दे देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने ये सब सोचा क्यों? Well, तुम समझ रहे हो, तुम एक अमेरिकन नागरिक के पति के तौर पर जाओगे और ये बिल्कुल अलग ही बात होगी। क्योंकि देखो, मैं बस ये नहीं चाहती कि अब किसी भी वजह से हमें दूर रहना पड़े। और तुम ये बात समझो कि ऐसा करने से डैड को हमारे साथ अमेरिका ले जाना आसान हो जाएगा, वरना पता है बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। और वैसे भी मिस्टर मेंडलसन तो यही चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें, और ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर होगी जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ेगा। हाँ, पर ये सब इतना आसान नहीं है, 3 महीने पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एलेक्स, अमेरिका में सब इतना पेचीदा है और कानूनी तौर पर, और भी यूक्रेन में बस 300 रुपए दो, बन गए पति पत्नी, है ना? बढ़िया प्लान। बहुत बढ़िया। पता था। हाय, हमें बात करनी चाहिए।